गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू VCS फिजिक्स क्लासेज। आज अपन BSc सेकेंड सेमेस्टर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, अपन को पता है कि जो BSc का ईयरली सिस्टम था उसको सेमेस्टर में कन्वर्ट किया था, तो इस बार जो भी अपने पास सिस्टम चल रहा है वो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। तो सेमेस्टर में अपने पास जो फिजिक्स है सेकेंड सेमेस्टर की, तो सेकेंड सेमेस्टर में अपने पास फिजिक्स का जो पेपर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज अपन बात करेंगे किसकी, यूनिट नंबर फर्स्ट की, और यूनिट फर्स्ट में अपने पास है चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है फील्ड। तो आज अपन देखने वाले हैं कि फील्ड क्या होता है, तो फील्ड से रिलेटेड आज अपन स्टडी करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, कंसेप्ट ऑफ फील्ड, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो कंसेप्ट ऑफ फील्ड यानी क्षेत्र की अवधारणा, अदिश क्षेत्र और सदिश क्षेत्र। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अदिश क्षेत्र होता क्या है और सदिश क्षेत्र होता क्या है। अपन देखते हैं कि ये सदिश क्षेत्र और अदिश क्षेत्र कैसे वेरी करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, एक अपन नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि आपके कुछ पास क्या है, कोई पार्टिकल है, क्या है अपने पास, आपके पास क्या है, कोई पार्टिकल है। तो मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, और मुझे पता है कि पार्टिकल की क्या पता होनी चाहिए, मुझे कोई स्थिति पता होनी चाहिए, और यदि पार्टिकल की कोई स्थिति पता होती है तो मुझे पता है कि पोजीशन वेक्टर, स्थिति का मतलब क्या होता है, कोई भी निर्देश तंत्र में कोई पार्टिकल होता है तो उसका मुझे स्थिति सदिश पता होता है। और स्थिति सदिश क्या होता है, सभी को पता है कि एक्स आई कैप प्लस का होता है वाई जे कैप प्लस का होता है जेड के क्या। तो मुझे पता है कि यदि मुझे कोई पार्टिकल की प्रॉपर्टी के बारे में जानना है तो मुझे सबसे पहले उसका क्या पता होना चाहिए, स्थिति सदिश। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे यदि कोई निर्देश तंत्र बनाते हैं या कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाते हैं जिसका ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, और यहाँ पर कोई पार्टिकल रखा हुआ है, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कंसेप्ट है तो मुझे पता है कि ये स्थिति तो क्या है, एक तरीके से जो बताता है स्थिति सदिश बताता है, पोजीशन वेक्टर होता है वो एक वेक्टर होता है। अब मैं कह सकता हूँ कि इस पार्टिकल के बारे में या किसी सिस्टम के ऑब्जेक्ट के बारे में यदि मुझे कुछ भी पता करना है तो उसमें बहुत सारी ऐसी राशि है जो कुछ तो सदिश होती है और कुछ अदिश होती है। आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि क्या होती है अपने पास कुछ भौतिक राशि होती है, सभी ने पढ़ रखा है कि भौतिक राशि क्या होती है, यानी वे राशि जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जिसके बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं, वो क्या होती है, सारी भौतिक राशि होती है। तो भौतिक राशि में देखा था कि भौतिक राशि में क्या होता है, एक तो होती है अपने पास अदिश राशि और एक क्या होती है अपने पास सदिश राशि, यानी एक तो होता है स्केलर, एक तो क्या होता है अपने पास अदिश होता है, और दूसरा क्या होता है अपने पास सदिश होता है। तो ये तो है अदिश और ये अपने पास क्या है सदिश, यानी एक तो स्केलर होता है और एक क्या होता है अपने पास वेक्टर। तो ये तो जो अदिश है वो तो क्या हो जाएगा अपने पास स्केलर, और एक जो सदिश है वो क्या हो जाएगा अपने पास वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दो टाइप की राशि होती है। तो मैं पार्टिकल है, पार्टिकल में कुछ भौतिक राशि ऐसी होती है जो अदिश भी होती है, कुछ भौतिक राशि क्या होती है सदिश भी होती है। तो मैं कहता हूँ कि यदि अदिश राशि है तो वो अदिश राशि की डिपेंडेंसी कैसे रहेगी, तो मैंने कह दिया कि अदिश राशि की डिपेंडेंसी फाइ इज इक्वल टू फाइ एक्स वाई और जेड इस टाइप से रहती है। और सदिश राशि की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या लगाया जाता है, वेक्टर ए, वेक्टर ए एक्स वाई और जेड। यदि मैं कहता हूँ कि इन कोऑर्डिनेट में चेंज होता है, एक्स वाई जेड में चेंज होता है, तो किस में चेंज होगा अपने पास, अदिश फलन में या अदिश राशि में चेंज होगा। अदिश राशि का मतलब है केवल और केवल किस में चेंज बताएगा, वो केवल मैग्नीट्यूड या किस में चेंज बताएगा अपने पास, परिमाण में चेंज बताएगा, किस में बताएगा, परिमाण या मैग्नीट्यूड में चेंज बताएगा। यदि मैं कहता हूँ कि ये जो ए वेक्टर है वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड में चेंज होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इसमें परिमाण, इसमें क्या होगा अपने पास परिमाण तथा दिशा दोनों में ही क्या होगा चेंज होगा, परिमाण तथा दिशा दोनों में ही क्या होगा चेंज होगा। तो जैसे अपने पास ये भौतिक राशि होती है वैसे ही अपने पास कोई रीजन होते हैं या कोई फील्ड होते हैं। तो आज अपन देखने वाले उस फील्ड के बारे में, तो ये सारा तो आप जानते ही हो कि ये सारा क्या होता है, तो कुछ भौतिक राशि होती है वो स्केलर भी होती है, कुछ वेक्टर भी होती है। तो आज अपन बात करेंगे कि ये फील्ड क्या होता है। तो यदि मैं कंप्लीट कोऑर्डिनेट के साथ यदि पर्टिकुलर एक क्षेत्र को डिफाइन करूँ तो वो अदिश भी हो सकता है सदिश भी हो सकता है। जैसे आप जानते हो कि एक कोई मैग्नेट होता है, क्या होता है अपने पास कोई मैग्नेट होता है,
और मैग्नेट एक क्या करता है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये कोई मैग्नेट है इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। इसके अंदर यदि कोई लोहे की वस्तु ले जाए तो वो मैग्नेट से क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, इसका मतलब वो किस फील्ड में गया है, मैग्नेट फील्ड में गया है। तो ऐसे का ऐसे इसी टाइप का अपने पास स्केलर फील्ड भी है और वेक्टर फील्ड भी है। तो इसको आप नोट्स के वाइज कैसे लिखोगे, सबसे बेस्ट इसमें यह है कि आपकी ये जो क्लास है, क्या है अपने पास आपकी ये जो क्लास है, इस क्लास में अपने पास इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। आपको नोट्स में क्या क्या पॉइंट कवर करने हैं, क्या क्या लिखना है, कौन सा स्केलर लिखना है, कौन सा वेक्टर लिखना है, कैसे उसका डिफरेंस बताना है, वो सारी चीज़ें अपन कवर करेंगे। तो अपन बढ़ते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो फर्स्ट है अपने चैप्टर, फर्स्ट का नाम है अपने पास, फर्स्ट चैप्टर का नाम है क्षेत्र, और आज का जो अपना टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ फील्ड। क्या है अपने पास, कंसेप्ट ऑफ फील्ड। देखो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को लिखी हुई है, तो अपन एक एक पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि यदि किसी भौतिक अवस्था में भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, जैसे जैसे स्थिति में परिवर्तन होता है तो राशि के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो मैंने बोला कि जैसे कोई भौतिक राशि थी, यहाँ से भौतिक राशि क्या थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई और जेड। जैसे मुझे ये पता नहीं है कि स्केलर है या वेक्टर है, मैंने जस्ट एक क्वांटिटी मानी है कि अपने पास कोई प्रेक्षण बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे अपने पास एक्स वाई जेड और एक्स का फलन है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि ये एक्स वाई जेड ये जो कोऑर्डिनेट है यदि इसमें चेंज होता है तो इस वाले एक्स में भी चेंज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यदि भौतिक अवस्था में भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, यदि आपके पास मैं कहता हूँ कोई पोजीशन वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर को आप चेंज करते हो तो उसके साथ दूसरी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चेंज होती है। तो लिख रखा है हिंदी में ये लिख रखा है, इंग्लिश वालों के लिए मैंने व्हाइट कलर में लिख रखा है कि इन एनी फिजिकल स्टेट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एज द पोजिशन चेंज द क्वांटिटी आल्सो चेंज, यानी पोजिशन चेंज करने पर क्वांटिटी में चेंज होता ही है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेकंड पॉइंट ये कहता है कि किसी भौतिक राशि का मान बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है और ऐसी भौतिक राशि को ही फलन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये मैंने लिख रखा है कि यदि कोई भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि यहाँ पर क्या है, ये भौतिक राशि तो x हो जाएगी, किस पर डिपेंडेबल है, उसके कोऑर्डिनेट पर डिपेंड है और उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई और जेड। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कह सकते हैं कि भौतिक राशि का मान बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है और ऐसी भौतिक राशि को क्या कहते हैं, किसी फलन के द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। द वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एंड सच फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब बाय ए फंक्शन, यानी कोई भी निर्देशांक, कोई भी भौतिक राशि होती है वो निर्देशांक पर निर्भर होती है और निर्देशांक पर निर्भर है तो उसको किसी फलन के द्वारा मैं लिख सकता हूँ। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी भौतिक राशि है उसका मान है वो किस पर डिपेंड करेगा, निर्देशांक पर डिपेंड करेगा और उसको मैं किस बेस पे लिख सकता हूँ, फंक्शन के बेस पे लिख सकता हूँ। थर्ड पॉइंट है, वह क्षेत्र जिसमें भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है तो वह भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। मुझे पता है कि जैसे कोई भौतिक राशि है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई सा भी मान लो, यदि कोई भौतिक राशि का मान है वो उसके ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, क्या करता है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है, तो वह क्या होती है अपने पास, फिजिकल क्वांटिटी होती है या भौतिक राशि का क्षेत्र होता है, क्या होता है अपने पास, भौतिक राशि का क्षेत्र होता है। द रीजन इन विच द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड द रीजन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये जो सारी चीज़ें आपके सामने स्लाइड में दिख रही है ये एज इट इज आपको नोट्स में लिखनी है। आप यदि साथ साथ में क्लास में नोट्स बना रहे हो तो हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, जो भी आपके स्लाइड के सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। फिर अपने पास देखो कि माना कि किसी बिंदु पी पर, माना कि किसी बिंदु पी पर कण के निर्देशांक है वो एक्स वाई जेड है, कण के कोऑर्डिनेट है वो एक्स वाई जेड है, तो इस बिंदु पर भौतिक राशि का मान क्या होगा। तो मुझे पता है कि यहाँ पे भौतिक राशि है वो उसको कैसे लिखा जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड किसी भी भौतिक राशि के कोऑर्डिनेट होंगे और वो किस पर डिपेंड है, भौतिक राशि क्या कहलाएगी, ए और कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, एक्स वाई जेड। यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यदि मैं एक्स वाई जेड इनमें चेंज करता हूँ, क्या करता हूँ, यदि कोई भौतिक राशि में या कोई पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड में यदि चेंज करता हूँ तो ए भी ये क्या होगा, चेंज होगा, तो ए भी ये क्या होगा, चेंज होगा, यानी अपनी भौतिक राशि भी क्या होगी, चेंज होगी।
सपोज द कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट पॉनी पॉइंट पी आर एक्स वाई जेड, देन द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एट दिस पॉइंट विल बी एज फॉलो इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। तो यदि फिजिकल क्वांटिटी में चेंज करते हो या कोऑर्डिनेट में चेंज करते हो तो ए में भी चेंज होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, और वो स्थिति में परिवर्तित होता है तो अपनी भौतिक राशि में भी परिवर्तन होगा। भौतिक राशि का मान है वो प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, और भौतिक राशि किसको किसी फलन के द्वारा लिखते हैं। भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, भौतिक राशि का क्या कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। अब अपन बढ़ते हैं आगे। ये अपने पास कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखे अपन ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अपने पास जो भौतिक राशि के अनुसार जो क्षेत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये तो अपन ने जो देखा वो क्या था, केवल और केवल भौतिक राशि का कंसेप्ट था। अब अपन ये देखते हैं कि ये क्षेत्र कितने टाइप्स के होते हैं। क्या देखते हैं अपन कि ये क्षेत्र कितने टाइप्स के होते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो अपने पास भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार जो क्षेत्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो होते हैं कितने टाइप्स के, टू टाइप्स के। तो आपको दिख रहा होगा कि भौतिक राशि की प्रकृति के अनुसार क्षेत्र होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरिया। एरियाज ना हो के यहाँ पे एरियाज की जगह क्या करना, फील्ड करना। क्या करना, फील्ड। क्या करना अपन, एरिया की जगह फील्ड करना। अब जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है अपने पास, अदिश क्षेत्र यानी स्केलर फील्ड, और जो सेकंड होता है वो क्या होता है, वेक्टर फील्ड। तो अपन ने देखा कि भौतिक राशि का मान है वो किसी कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करेगा, उसको मैं किसी फंक्शन के बेस पर लिख सकता हूँ। तो उसके बेस पर यहाँ पे दो क्वांटिटी डिफाइन की जाएगी, एक तो स्केलर फील्ड और एक वेक्टर फील्ड। तो अपने पास फर्स्ट होगा वो क्या होगा, स्केलर फील्ड या अदिश क्षेत्र। अब मुझे पता है कि अदिश क्षेत्र क्या है, तो अदिश क्षेत्र भी क्या होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पे कि यहाँ पे क्या है, कोई फंक्शन था, यहाँ पे कोई फंक्शन था फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई और जेड। यानी मैं कह सकता हूँ ये एक फिजिकल क्वांटिटी को शो कर रहा है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट होंगे, और यदि एक्स वाई जेड में चेंज होता है तो फाई में चेंज होगा। और यदि फाई अदिश क्षेत्र है या अदिश राशि है, इसका मतलब वो किस में चेंज करेगा, केवल और केवल परिमाण में चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, परिमाण या मैग्नीट्यूड में चेंज करेगा। तो इसमें आपको नोट्स में लिखना है कि वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र जिसमें अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक यानी एक्स वाई जेड पर निर्भर करता है क्या कहलाता है, अदिश क्षेत्र कहलाता है। द रीजन इन विच द वैल्यू ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड स्केलर रीजन। माना कि किसी बिंदु P पर कण के निर्देशांक एक्स वाई जेड है तथा अदिश राशि का मान क्या है, फाई है। ये क्या है अपने पास, फाई। अदिश राशि का मान फाई है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि फाई को मुझे इस तरीके से लिखना है, फाई इज इक्वल टू फाई, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और साथ में क्या हो जाएगा, जेड। इसके यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो विद्युत विभव, ये विद्युत विभव हिंदी का ट्रांसलेट होता है, तो ये अपने पास जो ओरिजिनल ट्रांसलेट होता है वो विद्युत होता है, बट अपन को इसको किस तरीके से लिखना है, विद्युत विभव। किस तरीके से लिखना है, विद्युत विभव। तो जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो विद्युत विभव, तो मुझे पता है कि जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। तो ये क्या होगा, विद्युत विभव का जो भी फील्ड होगा यानी ये जो फाई है वो क्या विद्युत विभव को शो करता है, और वो क्या होगा, अदिश क्षेत्र होगा। और जो गुरुत्व विभव होता है जी, वो भी क्या होता है, अदिश क्षेत्र होता है। टेम्परेचर होता है वो भी अदिश क्षेत्र होता है। घनत्व होता है वो भी अदिश क्षेत्र होता है। तो ये इसके एग्जाम्पल है कि विद्युत विभव, गुरुत्व विभव, ताप, घनत्व आदि। फिर अपन ने लिखा है कि अदिश राशि का ग्राफीय निरूपण करने पर अदिश राशि का मान नियत होता है, और ऐसे पृष्ठ को सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसे पृष्ठ को सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि यदि अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करें, क्या करें अपन, अदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण करें, तो इसका ग्राफीय निरूपण कुछ इस तरीके से होता है, वो अपन करते हैं। इसका जो ग्राफीय निरूपण होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कैसे होगा अपने पास, यदि मेरे पास कोई दो अक्षिस लेने हैं, क्या लेने हैं मेरे पास, यदि कोई दो अक्षिस लेने हैं, तो देखो यहाँ पे दो अक्षिस लेते हैं, तो ये मैंने कह दिया कि यहाँ पे इसका यदि मैं ग्राफीय निरूपण करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसको ग्राफीय निरूपण करता हूँ, तो ये ग्राफीय निरूपण यहाँ पे कर लेते हैं अपन, कि ये मैंने क्या ले लिए, एक एक्स एक्सिस है और दूसरा क्या है अपने पास वाई एक्सिस है।
अब मैंने यहाँ पे कोई भी दो फील्ड ले लिए या दो एरिया ले लिए, एक तो है अपने पास एस वन और दूसरा है अपने पास क्या एस टू, ये क्या है अपने पास एस टू। अब मैं कह सकता हूँ कि इस पर जो अदिश फील्ड का मान है वो फाई वन है और इसका जो अदिश फील्ड का मान है वो क्या है फाई टू है। तो ये कहता है कि अदिश राशि का ग्राफीय निरूपण करने पर अदिश राशि का मान नियत होता है। अदिश राशि का मान क्या होता है नियत होता है और ऐसे पृष्ठ को सम अदिश पृष्ठ कहते हैं। या फिर मैं लिख सकता हूँ ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए स्केलर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज फिक्स्ड सच ए सरफेस इज कॉल्ड आइसो स्केलर, या फिर मैं बोल सकता हूँ इक्वी स्केलर, क्या बोल सकता हूँ इक्वी स्केलर, ऐसे भी बोल सकता हूँ इक्वी स्केलर, ठीक है, यानी एक जैसा मान होगा। तो इस डायग्राम में यही दिख रहा है कि देखो S1 जो पृष्ठ है, S1 जो सरफेस है, उस पर हमेशा अदिश राशि का मान क्या है फाई वन है। अब वो चाहे किसी यहाँ बात करो, इस पॉइंट पर बात करो, इस पॉइंट पर बात करो, सारी जगह इसकी वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक सरफेस पर अदिश राशि का मान एक ही होता है। तो एक सरफेस के लिए अदिश राशि का मान फाई वन है और यदि सरफेस एस टू है तो उसके लिए अदिश राशि का मान कितना है फाई टू है। फिर अपन लिखते हैं किसी बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है अर्थात अदिश क्षेत्र क्या होगा एकल मानी होगा, क्या होगा एक मानी या सिंगल वैल्यू फंक्शन होगा या क्या होगा अपने पास एकल मानी होगा, क्या होगा अपने पास एकल मानी। यानी मैंने बोला है कि यहाँ पर अदिश क्षेत्र का मान है वो एक पॉइंट पर क्या होता है एक ही होता है, यानी अदिश राशि का मान फिक्स है। अब जैसे एस वन प्रश्न में अदिश राशि फाइव वन है, एस टू प्रश्न में अदिश राशि कितनी है फाइव टू है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा एकल मानी होगा, सिंगल वैल्यू होगा, क्या होगा एकल मानी होगा। एट एनी पॉइंट द वैल्यू ऑफ द स्केलर क्वांटिटी इज द सेम दैट इज द वैल्यू ऑफ द स्केलर फील्ड विल बी क्या होगा यहाँ पे ये फंक्शन मोनोटोनियस नहीं है, यहाँ पे लिखना है आपको सिंगल वैल्यू फंक्शन, क्या होगा अपने पास सिंगल वैल्यू फंक्शन, इसको सही कर लेना, ये क्या होगा अपने पास सिंगल वैल्यू फंक्शन। तो इसका जो फंक्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए सिंगल वैल्यू होना चाहिए। फिर अपन लिखते हैं कि यदि किसी स्थान पर आवेश रख दे तो उसके चारों तरफ से क्षेत्र में उत्पन्न विभव का मान किसी बिंदु पर निर्भर करता है और आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र क्या कहलाता है अदिश विभव क्षेत्र कहलाता है। सभी को पता है कि यदि मैं कोई क्यू आवेश रख देता हूँ तो क्यू आवेश के कारण अपने पास क्या डिफाइन होता है अपने पास विभव डिफाइन होता है, क्या डिफाइन होता है विभव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है विभव भी होता है, तो विभव होता है वो क्या होता है स्केलर होता है या वो क्या कहलाएगा अदिश क्षेत्र कहलाएगा। तो यदि किसी स्थान पर मैं आवेश रख दूँ तो उसके चारों तरफ, जैसे ये आवेश रखा है तो इसके चारों तरफ क्या होगा अपने पास कोई फील्ड जनरेट होगा और वो फील्ड क्या कहलाएगा अदिश विभव कहलाएगा। तो उसका मान क्या होता है किसी बिंदु पर निर्भर करता है, किसी बिंदु पर यानी वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पर भी निर्भर कर सकता है या अपन जहाँ जिस पॉइंट पर अपन विभव निकाल रहे हैं उसकी दूरी पर भी निर्भर कर सकता है, यानी आर पर भी निर्भर कर सकता है। इफ ए चार्ज इज प्लेस एट एनी प्लेस देन द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल जनरेटेड इन द फील्ड अराउंड इट डिपेंड्स ऑन ए पॉइंट द एरिया अराउंड द चार्ज इज कॉल्ड द स्केलर पोटेंशियल फील्ड, ठीक है। यदि ऐसे सभी बिंदुओं को एक तल के द्वारा मिला दिया जाए तो जिन पर विभव का मान एक समान हो तो ऐसे तल को सम विभव पृष्ठ कहते हैं। आप ये डेफिनेशन आपने पहले क्लास में पढ़ रखी है, समविभव पृष्ठ क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है कि जहाँ पर जिस पृष्ठ के अंदर जिस पृष्ठ के ऊपर विभव का मान एक जैसा होता है वो क्या कहलाता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे समविभव पृष्ठ क्या होगा कि किसी पृष्ठ पर विभव का मान एक जैसा होता है वो क्या कहलाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। तो ये तो अपन ने किसकी बात की स्केलर फील्ड की। तो सबसे पहले अपन को स्केलर फील्ड में क्या क्या देखना है, तो आपको स्केलर फील्ड होता क्या ये देखना है। तो देखो यहाँ से अपन स्केलर फील्ड स्टार्ट किया, तो स्केलर फील्ड में सबसे पहले तो क्या करना है उसको डिफाइन करना है कि वह क्षेत्र जो अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है अदिश क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है अपने पास अदिश क्षेत्र कहलाता है। फिर अपन देखते हैं कि माना कि किसी बिंदु P पर कण के निर्देशांक है वो क्या है P है, तो उसका अदिश राशि का मान फाई है, तो वो कैसे इस तरीके से लिखा जाएगा। एग्जाम्पल हो जाएंगे विद्युत विभव गुरुत्व विभव ताप घनत्व। अदिश राशि का जो ग्राफीय निरूपण करते हैं उसका मान एक जगह पर नियत होता है तो पृष्ठ को क्या कहते हैं सम अदिश पृष्ठ कहते हैं या इक्वी स्केलर सरफेस कहते हैं, इक्वी स्केलर क्या कहते हैं सरफेस कहते हैं।
किसी बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है, अर्थात अदिश क्षेत्र का मान क्या होता है, सिंगल वैल्यू फंक्शन होता है। यदि किसी स्थान पर आवेश रख दे तो उसके चारों तरफ से क्षेत्र में उत्पन्न विभव का मान बिंदु पर निर्भर करता है, या आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा अपने पास, अदिश क्षेत्र कहलाएगा। क्लियर, तो ये तो था अपने पास स्केलर फील्ड। अब अपन बात करते हैं किसकी, वेक्टर फील्ड की। नोट्स में ये पूरी की पूरी अपनी खुद की लैंग्वेज है, तो आपको नोट्स में ये कि ये लैंग्वेज ही लिखनी है, और एग्जाम में देखो लैंग्वेज याद नहीं होती तो लैंग्वेज बना के लिखनी होती है, तो वो आपके अकॉर्डिंग बना के लिखनी है। सेकंड बात करते हैं अपन किसकी, वेक्टर फील्ड की। सेकंड किसकी बात करते हैं अपन, वेक्टर फील्ड की। तो वेक्टर फील्ड क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे यदि अपन वेक्टर फील्ड की बात करें तो ये वेक्टर फील्ड क्या होता है, मुझे पता है कि वेक्टर फील्ड यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर है, और वेक्टर में यदि कोई चेंज होता है, क्या होता है अपने पास, वेक्टर में यदि कोई चेंज होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वेक्टर में चेंज होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे वेक्टर में चेंज हो रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज हो रहा है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यदि किसी क्षेत्र के प्रेक्षण बिंदु के स्थिति में परिवर्तन किया जाए, स्थिति में परिवर्तन होता है यानी उसके कोऑर्डिनेट में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन करने से सदिश राशि के मान में परिवर्तन होता है, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों में ही परिवर्तन होता है, सदिश राशि के प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करती है, और वह क्षेत्र क्या कहलाता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि कोई भी फील्ड है, उस फील्ड के अंदर यदि कोई कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, कोऑर्डिनेट चेंज होने पर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी, तो वो क्या होगा, सदिश क्षेत्र होगा। केवल परिमाण चेंज होगा तो वो क्या होगा, अदिश क्षेत्र होगा। इफ देयर इज ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ एनी फील्ड, द वैल्यू ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी चेंज, दैट इज देयर इज ए चेंज इन बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, द वेक्टर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऑन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, दैट एरिया इज कॉल्ड इज वेक्टर फील्ड। तो मैं कह सकता हूँ कि वेक्टर फील्ड कैसे डिफाइन किया जा सकता है। अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि माना कि किसी क्षेत्र में सदिश राशि ए प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक एक्स वाई जेड पर निर्भर करती है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यदि ये वेक्टर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड, क्या आ जाएगा अपने पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। तो एक्स वाई जेड तो यहाँ पे क्या बताएगा, इसके कोऑर्डिनेट को बताएगा, ए वेक्टर तो इस पर क्या बताएगा, ई वेक्टर यहाँ भी आएगा, तो ये क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट को बताएगा। यदि मैं एक्स वाई जेड को चेंज करता हूँ तो ए में चेंज होता है, और ए में चेंज होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज होती है। सपोज दैट द वेक्टर क्वांटिटी ए इन सम फील्ड डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द वेक्टर फील्ड विल बी एज फॉलो, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वाई जेड। यदि इसके मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये एग्जाम्पल होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई वेक्टर, वो क्या होता है, वेक्टर होता है। तो वेक्टर में चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो सकता है, या कोऑर्डिनेट में चेंज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी वेक्टर होता है। जी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो भी क्या होती है, वेक्टर होती है। और कोई भी स्थिति सदिश होता है किसी पार्टिकल का, यानी आर वेक्टर होता है, वो भी स्थिति सदिश भी वेक्टर है। वेलोसिटी होती है, एक्सीलरेशन होता है, तो ये सारे क्या बताते हैं अपने पास, वेक्टर बताते हैं। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, पोजिशन वेक्टर एंड वेलोसिटी, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इसका ग्राफिकल निरूपण करता हूँ। क्या करता हूँ, इसका ग्राफिकल निरूपण करता हूँ। तो इसका ग्राफिकल निरूपण कैसे होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपने पास कोई एक्सिस है, ये क्या अपने पास कोई एक साइड एक्स एक्सिस है और एक साइड क्या है, वाई एक्सिस है। तो ये तो ले लिया मैंने एक्स और ये मैंने क्या ले लिया, वाई। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे कोई पी से क्यू पॉइंट है, यहाँ पे क्या अपने पास, ये कोई पी से क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और ये क्या अपने पास कोई क्यू पॉइंट है। अब यहाँ पे मैंने कोई सरफेस एरिया ले लिया, कोई छोटा सा एरिया ले लिया, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि ये वाला क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे एक एरिया ले लिया, और इस एरिया की वैल्यू कितनी है, यानी सरफेस एलिमेंट है डी ए, कितना है डी ए। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका डी ए का जो वेक्टर होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी ये होगा डी ए वैक्टर। तो इसमें मैं कह सकता हूँ कि ये पी जो क्यू था, तो सरफेस वेक्टर है वो सरफेस के क्या होता है, लंबवत होता है। तो सरफेस ऐसे है तो ये इसका क्या हो जाएगा, लंबवत डी ए वैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए वैक्टर। अब मैं कह सकता हूँ कि इसका जो ए वैक्टर होगा वो किधर होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि इसका जो ए वेक्टर होगा वो किधर होगा अपने पास। यदि ए वेक्टर की बात करें तो इसका ए वेक्टर, इसको यदि मैं टेंजेंट बनाऊँ इस तरीके से,
क्या बनाओ, इसका टेंजेंट बनाओ, तो ये इसका क्या कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा। ये इसका क्या होता है, ग्राफीय निरूपण होता है। तो मैंने क्या किया, पी से क्यू का कोई पथ था, उसमें डी ए कोई स्मॉल एलिमेंट लिया और डी ए क्या कोई सरफेस है, तो डी सरफेस का जो वेक्टर होगा वो कहाँ होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो वो मैंने ले लिया डी ए वेक्टर। और यहाँ पे उसका यदि मैं वेक्टर फील्ड बनाऊँ तो वेक्टर फील्ड क्या बनेगा, इसके परपेंडिकुलर क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, और वो क्या होगा अपने पास, ए वेक्टर। तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या होता है, ग्राफिकल निरूपण होता है। अब ग्राफिकल निरूपण में होता क्या है, तो देखो नीचे लाइन लिखी है कि सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण किसी रेखा द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, सदिश क्षेत्र का जो ग्राफीय निरूपण है किसी रेखा यानी ए रेखा है इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इन रेखाओं को क्षेत्र रेखा या फ्लक्स रेखा कहते हैं। तो जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स भी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण किसी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इन रेखाओं को क्या कहेंगे, क्षेत्र रेखा या फ्लक्स रेखा कहते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड इज एक्सप्रेस्ड बाय ए लाइन, किसके द्वारा एक्सप्रेस किया जाएगा, किसी लाइन के द्वारा किया जाएगा, दिस लाइन्स आर कॉल्ड फील्ड लाइन्स ऑफ फ्लक्स। ये क्या होगा अपने पास, इसकी ग्राफिकल निरूपण हो जाएगा। तो अदिश में क्या था ग्राफिकल निरूपण, एक पॉइंट पर ए की वैल्यू होती थी, बट इसमें हर पॉइंट पर क्या होगी, अलग अलग होगी। इसमें एक पॉइंट पर एक नहीं हो सकती, वहां पर मैग्नीट्यूड चेंज होता था, यहां पर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज होगी। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे। इसमें अपन ने जो ये ग्राफिकल निरूपण किया तो इसकी एक मैथमेटिकल टर्म निकालनी है, वो मैथमेटिकल टर्म क्या है फुल अपन को निकालनी है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मैथमेटिकल टर्म देखनी है अपन की इसको। तो अपन बात करते हैं कि मैथमेटिकल टर्म कैसे डिफाइन होती है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले पता है, क्या बताया आपको, कि यहाँ पे सदिश क्षेत्र का जो ग्राफीय निरूपण है वो किसी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, किसी रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि सदिश क्षेत्र का ग्राफीय निरूपण रेखा के द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसको फ्लक्स रेखा कहते हैं। और रेखा के, देखो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है, रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तो ये अपन ने जो ए वेक्टर बनाया है कैपिटल, वो क्या बनाया है, कोई स्पर्श रेखा बनाई है। तो मैं लिख सकता हूँ कि रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। क्लियर। अब मैं कह सकता हूँ कि इसका मैथमेटिकल कैसे लिखूँ। तो इसका मैं मैथमेटिकल लिखता हूँ कैसे, कि यदि मेरे पास कोई ए वेक्टर था, क्या था मेरे पास, कोई ए वेक्टर था, वो किस पर डिपेंड कर रहा है अपने पास, डी फाई अपॉन में डी ए, डी फाई अपॉन में डी ए। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे क्या है अपने पास, कोई फंक्शन है, क्या है अपने पास, कोई फंक्शन है, वो ए के रेस्पेक्ट में बार बार चेंज हो रहा है। यानी डी ए है, डी ए यहाँ पे है तो उसकी वैल्यू कुछ अलग है, यदि ये डी ए यहाँ पर होता तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, डी ए यहाँ पर होता तो इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी। यानी एक लाइन पर ही बहुत सारी वैल्यू डिफाइन करता है। तो फाई का ए के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, वो मैंने क्या मान लिया, ए वेक्टर मान लिया। यदि मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, सदिश रूप में लिखता हूँ, किस में लिखता हूँ मैं, सदिश रूप में, किस में लिखा जाए, सदिश रूप में या वेक्टर फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ए, और यहाँ पे वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा इसमें, एन कैप, वेक्टर के लिए क्या आ जाएगा अपने पास, एन कैप। अब मैं कह सकता हूँ कि क्या मैं दोनों साइड एन कैप का डॉट प्रोडक्ट कर सकता हूँ क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कैप डॉट एन कैप, क्या हो जाएगा, ए कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा, डी ए, यहाँ पे हो जाएगा क्या अपने पास, एन कैप डॉट क्या हो जाएगा अपने पास, एन कैप। और मुझे पता है कि एन कैप डॉट एन कैप यानी आई डॉट आई क्या होता है, वन होता है, तो एन कैप डॉट एन कैप भी क्या होगा, वन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ए वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा अपने पास, एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, डी फाई अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए। यानी मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एन कैप डी ए क्या हो जाएगा, अब डी ए यदि इधर जाता है तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी अपने पास, तो ये बन जाएगा अपने पास ए वेक्टर, तो जैसे था वैसे का वैसे ही है, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास एन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, डी फाई के इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट का क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए वेक्टर। अब ये डी ए वेक्टर कहाँ से आएगा, तो मुझे पता है कि जो एन कैप डॉट डी ए होता है, एन कैप डॉट क्या होता है अपने पास, डी ए होता है, वो किससे डिफाइन होता है, डी ए वेक्टर से। यानी डी ए वेक्टर की डायरेक्शन है एक तरीके से, डी ए वेक्टर, ये जो डी ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो एन कैप है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी ए वेक्टर। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये क्या हो जाएगा,
डी ए वैक्टर। क्लियर? तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जो डी फाई आएगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किसी फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, और वो फंक्शन क्या है, वेक्टर है। यानी ए डॉट डी इज इक्वल टू क्या आता है आपके पास, डी फाई आता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अदिश क्षेत्र के समान सदिश क्षेत्र की स्थिति फलन भी क्या होता है, एकलमानी फलन होता है, अर्थात सदिश क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्या होती है, ये भी कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। यानी इसमें क्या था, जो अपने पास अदिश था, अदिश में तो क्या था कि यदि कोई सरफेस है उस सरफेस पर फाई का मान सभी जगह एक जैसा होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, जो अपने पास एक लाइन है, एक लाइन पर पर्टिकुलर एक पॉइंट है, तो एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू क्या होगी, एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। वहाँ पर पूरे पृष्ठ की बात हो रही थी, यहाँ पर एक पॉइंट की बात हो रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं, क्या खींचते हैं अपन, स्पर्श रेखा खींचते हैं तो अपन को क्या मिलता है, स्पर्श रेखा खींचने पर अपन को क्या मिलता है, उसकी डायरेक्शन मिलती है, जिसको मैं सदिश क्षेत्र रेखा भी बोलता हूँ। तो अदिश क्षेत्र के समान क्या हो जाएगा अपने पास, अदिश क्षेत्र के समान सदिश क्षेत्र का भी क्या होता है अपने पास, स्थिति फलन होता है, और वो भी कैसा होगा अपने पास, सिंगल्ड वैल्यू होगा, क्या होगा, एकलमानी होगा, अर्थात सदिश क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करती, वैसे इसकी सदिश क्षेत्र रेखा भी एक दूसरे को कट नहीं करती। लाइक द स्केलर फील्ड, द पोजिशन फंक्शन ऑफ द वैक्टर फील्ड विल ऑल्सो बी वन वैल्यू फंक्शन या सिंगल वैल्यू फंक्शन, दिस इज द वैक्टर फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट टू इच अदर। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो ये था अपने पास क्या, वैक्टर फील्ड, इसका ग्राफीय निरूपण कैसे डिपेंड करता है। अब इसमें अपन को देखना है इसका क्या डिफरेंस, क्या देखना है मुझे, इसका डिफरेंस देखना है। तो देखो इसका डिफरेंस कैसे देख सकते हैं, इसका डिफरेंस देखने के लिए मैंने यहाँ पे एक टॉपिक लगा रखा है कि एक साइड तो क्या होगा अदिश क्षेत्र होगा, एक साइड क्या होगा सदिश क्षेत्र होगा, डिफरेंस बिटवीन द स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। तो एक साइड तो मैं बना देता हूँ क्या, क्या बना देता हूँ, स्केलर फील्ड, यानी क्या बना देता हूँ, अदिश क्षेत्र, और दूसरी साइड में मैं क्या बना देता हूँ, यदि ये डिफरेंस भी कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, अदिश क्षेत्र, और एक साइड क्या हो जाएगा अपने पास सदिश क्षेत्र, दूसरी साइड में क्या आ जाएगा अपने पास सदिश क्षेत्र। अब देखो इसमें लैंग्वेज क्या क्या लिखनी है, इसका यदि फर्स्ट डिफरेंस लिखोगे तो ये लिखोगे कि इसका जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाता है, फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई और जेड, इस पर लिखा जाता है। यानी फर्स्ट डिफरेंस आपका ये हो जाएगा, लैंग्वेज में लिख सकते हो कि यदि किसी कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है तो उसका अदिश क्षेत्र ये होगा। तो एक लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि यदि किसी कण की स्थिति एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है तो इसका अदिश क्षेत्र ये होगा। ऐसे सदिश क्षेत्र में क्या आएगा कि यदि किसी कण की स्थिति एक्स वाई जेड पर डिपेंड करती है तो उसका सदिश क्षेत्र में इस तरीके से लिखूंगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एक्स वाई और जेड, इस तरीके से। फिर मैं कह सकता हूँ सेकेंड क्या लिखते हो, सेकेंड में आपको ये लिखना है कि यदि किसी कण की स्थिति को परिवर्तित किया जाए, यदि किसी कण की स्थिति को परिवर्तित किया जाए तो अदिश क्षेत्र परिवर्तित होगा। यानी इसमें क्या क्या चेंज होगा, यदि ये अदिश क्षेत्र की स्थिति यानी एक्स वाई जेड चेंज होगा, एक्स वाई जेड चेंज होने पर अदिश क्षेत्र चेंज होगा, और अदिश क्षेत्र चेंज होने पर इसका मुझे पता है कि क्या चेंज होगा, केवल और केवल परिमाण चेंज होगा, केवल और केवल क्या चेंज होगा, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, क्या चेंज होगा अपने पास मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसका क्या होगा मैग्नीट्यूड चेंज होगा। ऐसे ही सेकंड में मैं क्या लिख सकता हूँ कि यदि किसी कण की स्थिति के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं तो उसका सदिश क्षेत्र चेंज होगा, और यदि कोई वेक्टर फील्ड चेंज होगा तो परिमाण, और परिमाण के साथ क्या आएगी अपने पास मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड के साथ क्या जाएगी दिशा भी चेंज होगी, क्या होगी दिशा भी चेंज होगी। तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हो कि यदि किसी कण की स्थिति में चेंज होता है सदिश क्षेत्र भी चेंज होगा, और उसके साथ उसके परिमाण और दिशा भी क्या होगी चेंज होगी। थर्ड अपन ने लिखा था कि इसका जब भी मैं ग्राफीय निरूपण करता हूँ, किसका अदिश क्षेत्र का, तो ग्राफीय निरूपण में एक पृष्ठ के लिए यदि कोई S1 पृष्ठ है उसके लिए इसका मान कितना था फाइ वन था, जो हर जगह एक ही रहेगा। S2 पृष्ठ था तो उसके लिए फाइ टू का मान कितना था एक ही रहेगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अदिश क्षेत्र के ग्राफीय निरूपण में किसी एक पृष्ठ के लिए फाइ का मान क्या होता है नियत होता है, फाइ का मान क्या होता है नियत होता है। यानी एक पृष्ठ के लिए फाई का मान हमेशा क्या होगा नियत होगा, तथा एक दूसरे को कभी ये कट नहीं करते, एक दूसरे को कभी ये कट
नहीं करते, क्या नहीं करते, कट नहीं करते। ऐसे ही अपने पास जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा इसमें सदिश क्षेत्र में कि यदि मैं इसका ग्राफ या निरूपण करता हूँ तो इसका मैथमेटिकल टर्म मैंने ये लिखी है डी फाई अपॉन में क्या डी ए। तो इसमें मैंने क्या देखा कि सदिश क्षेत्र का ग्राफ या निरूपण करते हैं तो सदिश क्षेत्र का मान क्या होता है यानी ए वेक्टर परिवर्तित होता है और ये सदिश क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो भी एक दूसरे को कट नहीं करती, जैसे अधिश क्षेत्र की रेखा कट नहीं करती वैसे वो भी कट नहीं करती। चौथा एग्जाम्पल अपन ने लिखा था कि ये भी क्या होती है एकलमानी होती है, ये भी अधिश क्षेत्र का जो मान होगा वो भी क्या होगा एकलमानी फंक्शन होगा, क्या होगा एकलमानी फंक्शन होगा पूरे पृष्ठ के लिए और ये होगा एक पर्टिकुलर एक बिंदु के लिए, ये भी क्या होगा अपने पास एक पॉइंट पर एकलमानी फलन को ही शो करेगा, क्या करेगा एकलमानी फलन को ही शो करेगा। पांचवा एग्जाम्पल मैं लिखूँ इसका एग्जाम्पल, क्या लिखूँ मैं इसके एग्जाम्पल लिखूँ तो इसके एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा अपने पास, यदि मैं अधिश क्षेत्र की बात करता हूँ तो सबसे पहले तो क्या आ जाता है अपने पास ताप टेम्परेचर आ जाता है, फिर अपने पास घनत्व डेंसिटी आ जाती है, क्या आ जाती है टेम्परेचर आ जाता है घनत्व आ जाता है डेंसिटी आ जाती है, उसके बाद क्या आ जाता है अपने पास आयतन आ जाता है, क्या आ जाता है अपने पास आयतन आ जाता है, फिर अपने पास क्या आता है द्रव्यमान आ जाता है, क्या आ जाता है अपने पास द्रव्यमान आ जाता है, फिर अपने पास क्या आता है विद्युत विभव आ जाता है, क्या हो जाता है विद्युत विभव, क्या हो जाता है विद्युत विभव आ जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे ही यदि मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूँ तो आप सभी को पता है कि इसमें क्या आएगा एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल क्षेत्र की तीव्रता, स्थिति सदिश, आर वैक्टर, वी वैक्टर वेग, ए वेक्टर, तो ये सारे के क्या हो जाएंगे अपने पास सदिश क्षेत्र आ जाएंगे। तो ये मैं नॉर्मल एक डिफरेंस बना के लिख सकता हूँ कि पहले उसका फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यदि कोई कण की स्थिति है तो उसका अधिश क्षेत्र कैसे लिखेंगे, फर्स्ट में सदिश क्षेत्र कैसे लिखा जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यदि एक्स वाई जेड में चेंज होता है तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, इसके एक्स वाई जेड में चेंज होता है तो परिमाण के साथ दिशा चेंज होगी, इसमें जो इसके पृष्ठ पर अधिश क्षेत्र में किसी पृष्ठ पर फाई का मान क्या होता है नियत होता है, एक दूसरे को कभी कट नहीं करते और इसमें ए इज इक्वल टू क्या करता है डी फाई अपॉन में डी ए, वो उसके एरिया पर डिपेंड करता है, वो भी एक दूसरे को कट नहीं करते, ये भी एकलमानी होगा और ये भी क्या होगा अपने पास एकलमानी होगा। इसके एग्जाम्पल ताप घनत्व आयतन द्रव्यमान विद्युत विभव ये है और इसके एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी भी ये है। तो आज का अपना ये टॉपिक था स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो आज अपनी ये जो फर्स्ट क्लास थी, आज अपनी क्या थी अपने पास फर्स्ट क्लास थी, तो इस क्लास में अपन ने देखा तो ये क्या थी अपने पास फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास में अपन ने देखा कि स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड के साथ उसका कंसेप्ट ऑफ सबसे पहले फील्ड देखा था, फील्ड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड। तो ये आपके सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक था स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। तो आपको एग्जाम में यदि आ जाता है तो नोट्स में क्या लिखना है, आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन मैंने सारे पॉइंट आपके सामने कवर किए हैं। और जिसने भी जिसके लिए ये फर्स्ट क्लास है वो अपने क्लासमेट को ये चैनल शेयर कर दे ताकि उनके पास भी ये क्लास और ये पूरी जो लिंक है वो पहुंच सकें। और जिसने भी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो पहले ये कर ले, क्योंकि जैसे ही यहाँ से क्लास अपलोड होगी तो आपके पास तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए और टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। तो अपना BCS फिजिक्स क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम भी इसी चैनल के नाम से है, तो टेलीग्राम चैनल में आपको प्रॉपर इसके नोट्स भी दे दिए जाएंगे, प्रिंटेड नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यदि आप चाहो तो नोट्स क्लास के साथ बना सकते हो, इसमें सब कुछ मटेरियल लिखा हुआ है, यहाँ से बना सकते हो, साथ साथ में पढ़ते हुए बना सकते हो। और यदि आप चाहो तो जब भी ये चैप्टर पूरा होगा तो इसके प्रिंटेड नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, क्लियर। और यदि किसी को कोई डाउट होता है, यदि किसी को कोई डाउट होता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जो इसी क्लास का है 7877763122, 7877763122, नाम है दिलीप खंडेलवाल। तो अधिकतर स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते तो वो ये नंबर नोट कर ले और इसके व्हाट्सएप पे आप इसकी कोई भी प्रॉब्लम हो वो भेज सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।